अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीओ बी एस सी एस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग CS 610 के असाइनमेंट को करेंगे। तो सबसे पहले एलएमएस लॉगिन करें। एलएमएस लॉगिन करने के बाद असाइनमेंट पे आ रहा होगा बना हुआ 1 डायरेक्टर से, तो आप इस पर क्लिक करें। इसका मतलब यह है यहाँ पर आपका असाइनमेंट आ गया है। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि मैं टू डू लिस्ट ख़त्म कर दिया, तो इस वजह से आपको बड़ी परेशानी होगी। तो आपने यहाँ पर चेक कर लेना है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा अपने असाइनमेंट पर। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पे आया हुआ आपका असाइनमेंट नंबर 1, यहाँ पे आपके असाइनमेंट पर डिलीवरी या आपकी ड्यू डेट है, और 15 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आपने करना है सबमिट। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा असाइनमेंट फाइल पे, तो ये मेरी हो जाएगी डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद मैं कर लूँगा ओपन वैन डन। तो मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव किया हुआ, मैं इसको खोल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट फाइल ओपन हो गई है। मैं कर दूँगा इनेबल एडिटिंग, ताकि इसके अंदर मैं कुछ एडिट कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका असाइनमेंट नंबर 1, सेमेस्टर फॉल 2020, CS 610, कंप्यूटर नेटवर्क, 15 मार्क्स का असाइनमेंट है, ड्यू डेट है 26 नवंबर। तो इसमें आपको बोल दिया यू नीड टू यूज़ एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। हमें एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल में इसको सबमिट करवाना है, ठीक है। तो असाइनमेंट आफ्टर ड्यू डेट के बाद सबमिट नहीं होगा, और इसकी असाइनमेंट जो है आपकी वर्ड के फॉर्म में होनी चाहिए, डॉक्स और डॉक्स, ठीक है। सबमिट असाइनमेंट डज नॉट फाइल ऑफ करप्ट, फाइल ऑफ करप्ट होनी नहीं चाहिए और कॉपी नहीं होनी चाहिए। ये आपका ऐसा असाइनमेंट है जिस पर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आराम से पकड़ के जाएंगे, वो क्यों वह हम आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको कमांड प्रॉम्प्ट का समझ में आए, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क की कमांड क्या होती है, बेसिक बिल्कुल बेसिक होंगी, और नेटवर्क परफॉर्मेंस, नेटवर्क कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो चलते हैं असाइनमेंट नंबर 1 पे। इस पर आपको बेसिकली 2 टास्क दिए गए हैं, टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 1 में जो है आपके पास 2 पार्ट हैं, ठीक है, और टास्क 2 में 1 पार्ट, यानी 3 आपको टास्क दिए गए हैं। सबसे पहले चलते हैं टास्क 1 में। वो कह रहे हैं कि बाय राइटिंग ऑपरेटर कमांड इन द कमांड इंटरफेस कमांड प्रॉम्प्ट फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ योर ओन सिस्टम एंड टेक द स्क्रीनशॉट। वो ये कह रहा है कि आप अपना सिस्टम का आईपी एड्रेस फाउंड करें और उसके स्क्रीनशॉट यहाँ पोस्ट कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस फाउंड करने के लिए आपके पास का शॉर्टकट की है विंडोज़ R। आप देखें विंडोज़ R प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे CMD और ओके कर देंगे, तो इस तरीके से आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, आप सर्च में लिखें कमांड प्रॉम्प्ट COMMAND कमांड। जैसे आप कमांड लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने लिखा COMMAND कमांड, देखिए CO लिखा है, लिखा हुआ आ गया, मैंने क्लिक कर दिया, मैं एंटर कर दूंगा, तो इस तरीके से मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो, ठीक है, दो ओपन हो गए हैं, ठीक है। एक काम कर देता हूँ क्रॉस, ठीक है। आप सबसे पहले समझ लें कि आईपी एड्रेस क्या होता है। जिस तरीके से आपका नाम होता है, ठीक है, आपका नाम क्यों होता है, इसलिए होता है कि आप कोई पहचान हो, ठीक है। ढेर सारे नाम होंगे, ढेर सारे आशा नाम होंगे, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो आप तो हर कंप्यूटर का एक अपना नाम होता है, एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो उससे वो पहचाना जाता है, यानी अगर आप किसी को कंप्यूटर का एक्सेस करना होगा तो आपको उसकी आईपी एड्रेस चाहिए होगी, ठीक है। तो आईपी एड्रेस क्या है, कंप्यूटर की आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आईपी फाउंड करने का तरीका क्या है, अच्छा मैं आपको ये सारी कमांड जो विंडोज़ में भी सिखाऊंगा और लिनक्स में करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं विंडोज़ से। विंडोज़ की कमांड आप लिखेंगे आईपी सिंपल आईपी CONFIG, ठीक है, सिंपल आईपी कॉन्फ़िग, मैं एंटर कर दूंगा, तो इस तरीके से ये मेरी आईपी शो कर देगा। अच्छा इसमें से आईपी कौन सी है, अच्छा आपके मोस्टली कंप्यूटर में आपको ये वाला ऊपर वाला शो नहीं कर रहा होगा, सिर्फ ये शो कर रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया हुआ है, वर्चुअल मशीन डाउनलोड की हुई है, यानी एक वक्त में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको जानना है ये है क्या चीज़, तो ऊपर आई बना आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, देखें ये देखें आईपी वर्सेस 4 एड्रेस, ये है आपके एड्रेस, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नंबर में पोर्ट कर देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप जाएंगे स्नैप टूल, ये आ गया स्नैपिंग टूल, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो आप देखिए आपका ओपन हो चुका है। अब मैं जैसे न्यू पे क्लिक करूँगा, सारी चीज़ें मेरे आसपास एक हाईलाइट्स ही हो जाएंगी। जैसे मैं न्यू पे, आप ये देखें हो गए, आप मैं जहाँ से सेलेक्ट करूँगा ऐसे, तो ये मेरा स्क्रीन शॉट लेगा। आप चाहे तो इतना ले लें, आप चाहे तो इतना ले लें, आपने मुड़ दिया, मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पर जाऊँगा फाइल में और सेव एज कर दूँगा, कहाँ पर वहाँ पर कर दूँगा अपनी, जाके मैं आराम से ढूंढ सकूँ। मैं कह रहा हूँ फिलहाल डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर जाके मैं कर दूँगा। मैंने ऑलरेडी सेव की हुई थी, तो ये दोबारा बोल मैंने रिप्लेस कर दी, ठीक है। तो ये एक टास्क हो गया। अब चलते हैं आगे। अब आगे वो कह रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट टास्क आईपी फंड करने के बाद आपको क्या करना है, अपना सिस्टम नेम फंड करना है बाय यूजिंग दिस आईपी एड्रेस, यानी अपना आईपी एड्रेस से आपने अपना सिस्टम एड्रेस यानी अपना अपना सिस्टम नेम फंड करना है। सिस्टम नेम फंड कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपने कंप्यूटर पर आएँ, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर जाएँ, तो ये आपको शो कर देगा। यहाँ पे अगर आप देखें
लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नाम लिखा हुआ है यहाँ पे अक्षर अक्षर, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिटेल में जाते हैं, यहाँ पर कि आपका नाम लिखा हुआ है ऑनर अक्षर, तो ये आपका नाम लिखा हुआ अक्षर। फिलहाल सेकंड ऑप्शन ये है कि आप कंट्रोल पैनल में जाएँ, ना से आप नेटवर्क इंटरनेट पर जाएँ, सिस्टम सिक्योरिटी में जाएँ और सिस्टम में जाएँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कंप्लेंट नेम क्या है अक्षर, ठीक है। तो ये आपका नाम लिखा हुआ अक्षर, जब हम आईपी एड्रेस डालेंगे तो हमारा ये नाम आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा चीज़ें सही है। तो हम चेक करते हैं, मैं लिखूँगा यहाँ पे NS lookup। अच्छा, ये जो सारी कमांड है आपके लेक्चर नंबर 2 में है, अगर आपको लेक्चर नंबर 2 देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसमें ये कमांड दी गई NS lookup, ठीक है। इसको हम चला के देखते हैं, NS lookup डालूंगा और मैं अपनी, उन्होंने कहा है आईपी के ज़रिए, तो मेरी आईपी क्या ही है, यहाँ से मैं इसको करूँगा राइट क्लिक, मैं ऐसे कर दूँगा कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ आऊँगा और मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक पेस्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। राइट क्लिक किया है तो अब आप देखें यहाँ पे आ रहे सर्वर अननोन और एड्रेस दे रहा है, ठीक है। अगर आपकी सम 90% लोगों को शो कर देगा कि यहाँ पर सर्वर लिखा होगा और एड्रेस लिखा होगा नीचे आपका, यानी सर्वर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा अक्षर और आपकी एड्रेस, आपकी एड्रेस आ रहा होगा ये वाला, ठीक है। 90% लोगों को मिल जाएगा, 10% लोगों को नहीं मिलेगा, जैसे कि मैं हूँ मुझे नहीं मिल रहा, तो इसमें आप परेशान नहीं हो। तो इसकी एक और कमांड होती है, अगर वैसे तो आपको लेक्चर में ये कमांड दी गई है, तो आप ये चला के देख लीजिए, चलती है तो ठीक है, अगर नहीं चलती तो आपने लिखना है हु एम आई, ठीक है। हु आई एम नहीं है, हु एम आई, और मैं एंटर कर दूँगा। तो आप देखें यहाँ पे आपको दे दिया उसमें यूज़र नेम, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था यूज़र नेम क्या है मेरा, अच्छा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ पे उसने मेरा शो कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना कंप्यूटर का यूज़र नेम फाइंड कर सकते हैं। रही बात मार्क्स, तो आपने क्या करना है, आपने पहले एन एस लुकअप लिखना है और इसके साथ अगर ये एरर आ रहा है तो फिर क्या करना है, आपने ये कमांड चलानी है हु आई एम, और इन दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट लेके अपने फाइल में पेस्ट कर देना है, ठीक है। इतना हिस्सा दे लीजिएगा, इसमें जो है आपका आईपी एड्रेस भी आ रहा है, ठीक है, और इसमें आपको एरर भी दे रहा है, वो समझ जाएंगे और आपका इस तरीके से कमांड्स आपको मिल जाएगा, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ सेव कर देगा डेस्कटॉप पे, तो ये हो जाएगा आराम से, ठीक है। अच्छा, आप एक और कमांड आपने देखी होगी ये कि पिंग ए, और आपका मैं यहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे जाके मैं कर दूँगा राइट क्लिक, आपको ऑटोमेटिक पेस्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं जब ये कमांड एंटर करूँगा तो देखें इस पिंग का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट सेंड करने के बंदा एक्टिव है या नहीं, यानी इस आईपी को चेक करना है, हिट करने के वो एक्टिव है या नहीं, रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं, तो इसका काम ये होता है। अगर आप इस कमांड से आप अपना नाम फाइंड करें जैसे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये किया कि आपकी ये कमांड नहीं चल रही, एन एस लुकअप आईपी से आपके नेम नहीं शो हो रहा, तो आपने अगर ये कमांड यूज़ की अपना नाम चेक करने के लिए, तो आपको फिर 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बता चुका हूँ इससे आप जो है वो चेक करते हैं कि पर्सनल आईपी जो है एक्टिव है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसने 4 पैकेट सेंड किया और 4 रिसीव हो गया, इसका मतलब क्या है, मेरी अपनी आईपी में एक्टिव हुई, इसने शो कर दिया हाँ रिसीव है, यानी ये आईपी जो है सर्वर पर मौजूद है, एक्टिव है, ठीक है, लॉस 0% है। तो ये बेसिकली इसलिए काम में आती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके 2 क्वेश्चन, अब चलते हैं टास्क 2 में। टास्क 2 में ये कह रहा है कंसिडर योर आप नेटवर्क के सपोर्ट पर्सन है, ठीक है। तो आपको cisco.com पर जाके सिस्को के सर्वर पे जो है आपने चेक करना है कि कितने आईपी रॉट्स हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपने जो है 5 पॉप के जरिए करना है, यानी कि सिर्फ आप वो जो है सिस्को के सर्वर से सिर्फ 5 राउटर से होता हुआ जाए, ठीक है। बस उसको चेक करेगा कौन सी वहाँ पे राउटर की आईपीस हैं, ठीक है, उसको चेक करेगा कौन सी एक्टिव है कौन सी नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए बेसिकली ट्रेस आउट कमांड जो है अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ, इसके लिए आप ट्रेस आउट कमांड यूज़ करेंगे, अभी हम देख लेते हैं। तो चलते हैं आखिरी कमांड पे, टास्क नंबर 3 पे। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा MULTRACE ट्रेस RT, ठीक है। आप ट्रेस RT में करूँगा लिखूँगा है ना, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी आप सिस्को लिख दें या www.cisco.com लिख दें, मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ पे ट्रेस आउट ट्रेस आउट का कमांड ये है ट्रेस आउट, ठीक है, TRACER। ट्रेस आउट का कमांड ये है कि इस वेबसाइट के सर्वर पर जाके वो, यानी कि बहुत सारे सर्वर होंगे, ठीक है, यानी वो स्टेट पर फॉलो कर लेगा, यानी कि स्टेट पर जिसका सर्वर जा रहा होगा सबको होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे घूम के नहीं जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, उसको सर्वर पर क्लाइंट मिलेगा, वहाँ से होता हुआ जाएगा। ये चला गया, ये सिर्फ ट्रेस आउट जो है 30 होप्स हो जाता है, जो है पोर्ट्स को कह लें या राउटर को कह लें, ठीक है, ये होता, ठीक है, ये होता है आपका होप्स। होप्स का मतलब क्या होता है, होप्स का मतलब ये होता है कि आपका राउटर या आपका नेटवर्क इतने होप्स वो फाइंड करेगा, ठीक है। तो मिनिमम यानी मैक्सिमम जो आपको 30 हॉप्स फाइंड करेगा, ठीक है। तो ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो स्ट्रेस आउट का मतलब सिर्फ 30 हॉप्स आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने असाइनमेंट में थोड़ा चेंज कर दिया कि आपको कहा है कि आप सिर्फ 5 हॉप्स फाइंड करें, ठीक है। तो ये थोड़ा उन्होंने
यूनिक कर दिया ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 8 का बट डायरेक्ट ऐसे ही वो 30 पे आएगा, वो ऑटोमेटिक स्टॉप कर देगा। तो इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं, मैं वीडियो पोस्ट नहीं करता, मैं फास्ट जरूर कर दूँगा वीडियो यहाँ पर ताकि आप लोगों को चीज़ मिसिंग ना हो। तो आप ये देख सकते हैं 30 पे आ गया, आप देखिएगा ऑटोमेटिक स्टॉप कर देगा 30 पे आ गया। तो मैं ट्रेस कम्प्लीट लिख दिया इसने। अच्छा, इसका मतलब क्या, सिर्फ 3 राउट से होता हुआ गया ये, पहले तो मेरा अपना राउट था ठीक है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, कितने इसको यहाँ 1 मिली सेकेंड लगा, यहाँ 2 मिली सेकेंड लगा ठीक है, और यहाँ पर भी 2 मिली सेकेंड लगा, और यहाँ पर कहते रिक्वेस्ट टाइम आउट ठीक है, यानी इसका मतलब ये सर्वर पर अभी, यानी ये राउटर पे या इसके सर्वर पे अभी मौजूद नहीं है या फिर ये ऑफ पड़ा हुआ है ठीक है। अभी आपका असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ, अब आपने क्या करना है, आपको दिखाने का मकसद ये था ये 30 तक लेके जाता है, इससे आगे नहीं लेके जाता। तो अब आपको चाहिए 5 तक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे TRACE TRACE RT, TRACE RT के बाद आप कर देंगे यहाँ पे -H 5 और cisco.com और एंटर कर देंगे। तो आप देखें यहाँ पर जो है आपका सिर्फ 5 तक के जगह लिखा हुआ है, ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 5 4 ठीक है। मैक्सिमम ट्रेस आउट का मान से कहाँ तक जाते हैं, 30 तक जाते हैं, और अब जब -H 5 लगा देंगे तो ये तक जाएगा या 5 तक जाएगा, और 5 पर जाके ऑटोमेटिक ये बाहर आ जाएगा ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, ये 4 पे आ गया है, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया 4 पे, इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, और 5 पे आके ये ठीक है, ऊपर हमें ये शो किया था, ये भी ये शो करेगा रिक्वेस्ट टाइम आउट ट्रेस कम्प्लीट ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ से आप लेंगे पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीन शॉट लेंगे और अपना क्वेश्चन के आगे आप पोस्ट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 आप नीचे आके पोस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी योर ओन कंप्यूटर, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके अपने कंप्यूटर की होनी चाहिए, एवरी कंप्यूटर हैज इट ओन स्पेसिफिक IP एंड MAC एड्रेस ठीक है। तो सो डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम अदर स्टूडेंट, आप कॉपी करेंगे तो फॉर्म पकड़े जाएंगे ठीक है। तो ये तो हो गया विंडोज़ का, अब हम चलते हैं लिनक्स पे। तो जिनके पास लिनक्स तो वही वीडियो देख लें, बाकी अगर जिनको एक बार विंडोज़ का अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, मेरा मशवरा ये कि वो ज़रूर देखें। तो चलता हूँ अपने लिनक्स पे, यहाँ पे मैंने खोल लिया काली लिनक्स ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना लॉगिन करता हूँ ठीक है। अच्छा, ये इंटरफेरेंस जो होता है, डिफरेंस होता है ठीक है विंडोज़ से, तो इसकी कमांड होती है अलग। तो अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ, अगर आप यहाँ पर लिखेंगे ना IP config, तो ये आपको कुछ शो नहीं करेगा, क्योंकि ये है विंडोज़ की कमांड। लिनक्स पर जो है IP जगह आप करते हैं इफ़ ठीक है, इफ़ config आप एंटर करें ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको एरर देगा। तो आपको पहले एक्सेस चाहिए, आप क्या करेंगे सूडो लिखेंगे, सूडो लिखने के बाद करेंगे इफ़ config एंटर कर देंगे ठीक है। आपसे पासवर्ड मांग रहा है, जो आपका पासवर्ड था काली को लॉगिन करते हुए जो मैंने डाला था, आप वो यहाँ डाल देंगे, तो आपको देखें यहाँ उसने शो कर दिया। और इसमें से आपकी IP कौन सी है, तो आपकी IP है वो ये वाली, ये आपकी IP है ठीक है, ये रही आपकी IP, इसने आपको IP शो कर दी। तो आपका क्या हो गया, पहला पहला जो क्वेश्चन था आपको अपनी IP फाइंड करना, अगर आप लिनक्स में तो आपसे हिसाब IP फाइंड कर देंगे। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, आप सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपको अपना हाउस नेम मालूम करें कंप्यूटर नेम, वो बहुत आसान है, आप लिखें हाउस नेम तो आपको इस तरीके से शो कर देगा आशय ठीक है, TRACE RT ठीक है। आप देखें इसमें आपको जो है वो TRACE RT कमांड नहीं होगी, लिनक्स में चेंज अलग होती है, लिनक्स में होगी TRACE RUTE TRACE ROUTE। और यहाँ पर मैं अपनी IP दे दूँगा, या अगर मैं चाहूँ तो अपना वेबसाइट भी दे सकता हूँ ठीक है, तो वो मेरी मर्जी। अगर मैं यहाँ देखूँ TRACE ROUTE cisco.com, देख सकते हैं यहाँ पे उसने ट्रेस आउट कर दिया ठीक है, इतना लिखा हुआ 30 होप मैक्सिमम 60 byte package ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने ट्रेस आउट की कमांड चाहिए, यहाँ पे वो गया 30 तक जाके खुद ही स्टॉप कर देगा ये ठीक है। तो लिनक्स में क्या है TRACE ROUTE, विंडोज़ में क्या थी TRACE RT, इसमें क्या है TRACE ROUTE cisco.com। तो काफ़ी जल्दी कर लिया इसने विंडोज़ के मुकाबले में, और देखें रिस्पॉन्स वही आ रहा है, 3 पे आ रहा है बाकी पे नहीं आ रहा, जैसे कि लास्ट टाइम विंडोज़ में हुआ था ठीक है। तो यहाँ पे आकर आप देखें यहाँ पे उसने मना कर दिया है ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें TRACE ROUTE 5 तक करना है, तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके टोटली चेंज है लिनक्स में। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, अच्छा सबसे पहले अगर कुछ लोगों का मसला होगा ट्रेस की कमांड चल नहीं रही हो TRACE ROUTE की, तो आपने करना क्या है, आप लिखेंगे सूडो, मसला होगा आप लोगों को ठीक है, सूडो APT गेट इंस्टॉल TRACE ROUTE ठीक है। अगर आप लोगों की TRACE ROUTE की कमांड नहीं चल रही हो, तो आपने क्या करना है, लिखना सूडो APT -get install TRACE ROUTE एंटर कर देंगे, तो ऑटोमेटिक आपको डाउनलोड कर देगा
देख सकते हैं, वर्जन अपडेट कर देगा। उसके बाद आप टाइप करेंगे ट्रेस आउट सिस्को डॉट कॉम तो ये आप लोग सही से आपका कमांड शो कर देगा। तो अब हम चलते हैं, अपने आखिर सीधा उसमें लिखा हुआ है कि 5 तक लेके जाना है हमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे TRET ट्रेस राउट, आप लिखेंगे हाइफन एम लिखेंगे, वहाँ पे एच थे आप लिखेंगे एम 5 सिस्को, या तो आप लिखें सिस्को डॉट कॉम या www लिखे बात देगी, अब मैं एंटर कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने जो है हमें सिर्फ 5 तक के ट्रेस आउट करेगा वो, ठीक है। यहाँ 3 किया, 3 से रिस्पॉन्स आया, जैसे ऊपर 3 तक रिस्पॉन्स आया था, यहाँ यहाँ आके वो 5 पे रुक गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके 5 से रुक गया, यहाँ से होकर लॉग आउट। तो बेसिकली यही था आपके इस असाइनमेंट में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, असाइनमेंट तरीके से करना है, बाकी कोई मुश्किल हो परेशानी हो उसमें आंसर नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करिए। मिलते हैं अगले असाइनमेंट्स में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।